नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा हमें करते समय क्या ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी जानकारी जो कि लक्ष्मी गणेश से संबंधित होंगी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इस वीडियो का पूरा पूरा आप लाभ उठा सकें। चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दीपावली की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, यम का दिया हमें कैसे लगाना चाहिए, यम का दीपक लगाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैंने आपको वीडियो दी है, तो आप प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लक्ष्मी गणेश के बारे में कि जैसे दीपावली के त्योहार पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा, माता लक्ष्मी की मूर्तियां लाने का विधान बताया गया है। तो आप सभी में से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हमें प्रतिवर्ष माता लक्ष्मी की मूर्ति लाना चाहिए कि नहीं, हमारे पास जो पहले की मूर्तियां हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, मूर्तियां खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या हमें प्रतिवर्ष मूर्तियां लाना जरूरी है कि नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके पास सोने चांदी की मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां हैं, पीतल की, तो आप उन्हें साफ कर लें। साफ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि कैसे हम अपने चांदी के बर्तन चमकाएं, कैसे तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन हमें चमकाने चाहिए, घर में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल नए हो जाएंगे, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो उन्हें चमका लें, धो के साफ कर लें और फिर इनकी पूजा आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ष आपके पास धातु की मूर्तियां हैं तो लेकर आए। जिनके पास धातु की मूर्तियां नहीं हैं वो मिट्टी के मूर्तियां ला सकते हैं, वो अपने घर में हर वर्ष, क्योंकि देखिए मिट्टी की चीजें होती हैं उनकी अवधि कुछ ही समय की होती है, वो पूरे लाइफ टाइम तक हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप एक वर्ष तक उनकी पूजा करें और हर वर्ष नया लाना होता है और पुरानी जो हमारी लक्ष्मी गणेश हैं उनका विसर्जन कर देना होता है, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए उनका विसर्जन कर देना चाहिए पहले। लेकिन आप अपने घर लाएं, पूजन कर लें, उसके बाद जब दीपावली का त्योहार हो जाता है तो गोवर्धन पूजा वाले दिन उनका आप विसर्जन कर सकते हैं या भाई दूज के दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था, जैसे कि हमारे विसर्जन में जो है विधियां हैं कि हम नदियों में जल प्रवाह करते हैं, लेकिन अभी नदियों में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और सफाई अभियान के कारण हम बहुत सारी चीजें नदियों में नहीं विसर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको किसी बड़े वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर काफी गहरा गड्ढा खोदकर और उसमें सभी चीजें, जितनी भी चीजें आपको विसर्जित करनी है, जैसे आपकी कोई पुस्तक है वो जो है फट गई है, या फिर आपका कोई फोटो है, प्रतिमा है, वो तो उसका फ्रेम वगैरह आप हटा दें, सिर्फ कागज कागज आप ले लें और उसे वहां पे डाल के कुछ पानी डाल दें और फिर मिट्टी डाल के उसे पट कर दें। ऐसा आप करके ये विसर्जन की विधि आप कर सकते हैं और वो चीजें आपकी सुरक्षित भी रहेंगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग दीपावली के दूसरे दिन सुबह सवेरे कहीं किसी पार्क में, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, किसी बरगद के वृक्ष के नीचे ऐसी तमाम मूर्तियां पड़ी रहती हैं जिनका हम एक वर्ष पूजा करते हैं, जिनको हम सामने सुबह शाम प्रार्थना करते हैं धन के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, और दूसरे ही दिन फटाफट से उन्हें घर से बाहर निकाल कर यूं ही जो है उनका अनादर करते हैं, तो ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। आप उन्हें बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से, बिल्कुल विधि विधान से यदि करते हैं तो आपको लाभ होता है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने घर की मूर्तियों को इधर उधर ना फेंकें। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि मूर्तियां आप ला रहे हैं तो कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे मिट्टी की मूर्तियां हैं तो हमारे लिए शुभता भरी होती हैं, तो लक्ष्मी और गणेश एक साथ ही आप खरीदें, केवल लक्ष्मी की मूर्ति आप न खरीदें। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय आप ध्यान रखें कि 6 अंगुल से अधिक बड़ी आपकी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और लक्ष्मी गणेश जो है कमल के पुष्प पे विराजमान होनी चाहिए, यही मूर्तियां हमारे लिए शुभ होती हैं। या फिर आप हाथी पर जो मूर्तियां विराजमान होती हैं, ऐरावत हाथी होता है, उस पे भी विराजमान हो तो भी आप ले सकते हैं और उनकी सवारी भी साथ में होनी चाहिए। जैसे कि माँ लक्ष्मी
कमल के पुष्प विराजमान होती हैं, तो ऐसे में उनकी सवारी उल्लू की होती है, तो उस समय वहां पर उल्लू विराजमान होना चाहिए। अगर आप एरावत वाली हाथी वाली मूर्ति ले रहे हैं तो भी एरावत उनका सवारी होता है, तो इस तरह से ये आप ध्यान में रखें। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब भगवान गणेश के प्रतिमा आप खरीद रहे हैं तो भी उनका वाहन मूसक होता है, तो आप मूसक की भी पूजा भी करनी होती है और उन्हें जो है वहां पे होना भी चाहिए, यानी कि उनकी प्रतिमा वहां पे विराजमान होनी चाहिए। ये सभी चीजें आप खरीदते समय ध्यान में रखें। अगली महत्वपूर्ण बात कि माँ लक्ष्मी के हाथों से धन की वर्षा, यानी कि जो माँ लक्ष्मी कलश लेकर धन की वर्षा होती रहती है, ऐसी ही प्रतिमा आपके लिए शुभ होनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी की मुद्रा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई लक्ष्मी आपको अपने घर में नहीं रखना है, खड़ी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हमें अपने दुकान में रखनी चाहिए। ज्यादातर ये हमें हमारे लिए जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए शुभता भरा होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग अपने मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट होता है वहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगा देते हैं द्वारपाल के रूप में। बहुत सारे लोगों का ऐसा भावना होता है कि हमारे घर शुभता आएगी, हमारे घर जो है बुद्धि विवेक से हमारे घर के लोग रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने मुख्य द्वार पे भगवान गणेश को द्वारपाल के रूप में कभी नहीं लगाना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे मंदिर में शोभा देती हैं, इधर उधर आप उन्हें ना रखें। आपको मुख्य द्वार पे शुभता चाहिए तो आप हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं, जैसे कि स्वास्तिक, शुभ लाभ भगवान गणेश के ही पुत्र हैं, तो आप उन्हें शुभ लाभ अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। आप ओम का चिन्ह लगा सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह चरण चिन्ह जो होते हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। ये सभी चीजें आप मुख्य द्वार पर लगाएं, दरवाजे पर लगाएं, लेकिन भगवान गणेश की प्रतिमा आपको अपने मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। आप अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं अपने मुख्य दरवाजे पर। ऐसी भी कहावत है, जहां पर है अशोक वहां पर कोई शोक नहीं रहता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बंधन वार लगाना चाहिए, बंधन वार जिसे तोड़न भी कहा जाता है, तो बहुत सारे मार्केट में रंग बिरंगे आते हैं, वो आप ले लें। सबसे शुद्ध और शुभता भरा होता है आम के पत्ते का बंधनवार, जो कि आप स्वयं बना सकते हैं। आम के पत्ते आप ले लें और मोली के धागे में उसे इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप उसे पिरोकर एक माला का रूप दे सकते हैं और अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही शुभता भरा होता है। और बंधनवार ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी अंदर या बाहर निकलते हैं आपके सर से वो छू के होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आपको बंधनवार नहीं लगाना चाहिए। बंधनवार हल्का सा लटकते हुए होना चाहिए, और जब आपका पुराना बंधनवार सूख जाता है तो उसे हटा के विसर्जित कर दें और उसके स्थान पर नए बंधनवार आपको लगाने चाहिए। तो इस तरह से ये बंधनवार की प्रमुखता होती है और शुभता होती है। साथ ही दोस्तों आपको लक्ष्मी गणेश, जो हम लोग चांदी सोने की जो हमारे सिक्के होते हैं उस पे भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो जो सोने चांदी के सिक्के में बने होते हैं उन्हें आप एक दो वर्ष लेकर आए, बहुत सारा स्टोर ना करें। देखिए उसमें आपके जो पैसे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एक प्रकार से। उसका रीजन होता है कि हम उन्हें मतलब बेच नहीं सकते हैं, कोई दुकानदार उसे गला नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी माँ की प्रतिमा बनी होती है, वो उसे साफ करके बेच सकता है लेकिन उसे गलाता नहीं, अग्नि पे नहीं चढ़ाता है, ठीक है, आप किसी दुकानदार से पूछ करके देखिएगा। तो ऐसी दशा में बस सिर्फ पूजन के लिए आप एक दो सिक्के रखें, बाकी आप प्लेन सिक्के ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको दिखाया था कि यदि आप धनतेरस में सिक्के लेते हैं तो आपको प्लेन सिक्के लेने चाहिए। सिक्का हमने यहाँ पे रखा हुआ था, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये प्लेन सिक्का है, इस तरह से विक्टोरिया का सिक्का पहले आता था वो आप ले लें, या फिर नई जनरेशन वाला जो सिक्का प्लेन होता है वो आप ले लें। तो इस तरह से आप सिक्के जब चयन कर रहे हैं तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। इन सिक्कों को आप किसी को दे भी सकते हैं उपहार के समय में, और जब भी आपको कभी ऐसे अवसर आता है कि आपको किसी अभाव की कमी महसूस होती है तो उस समय इन सिक्कों को आप बेचकर कुछ धन भी आप ले सकते हैं, जिससे आपका काम, आपका जो है घर परिवार अच्छे तरीके से चल भी सकता है। तो इसलिए आप बहुत सारे लक्ष्मी गणेश की जो है सिक्के आप खरीद कर ना रखें। साथ ही दोस्तों झाड़ू के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था,
तो झाड़ू माँ लक्ष्मी से संबंध रखती हैं और दीपावली के अवसर पर जो ये पंचदिवसीय त्योहार है, धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का त्योहार होता है, इनमें हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जो है भरसक प्रयास करते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए उनसे जो भी चीजें होती हैं जुड़ी हुई, जो उनको प्रसन्नता देती हैं, वो सभी हम लेकर आते हैं, जैसे कि हरी इलायची, केसर, कपूर, धनिया, झाड़ू, और भी माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र यानी कि वस्त्र आप खरीद कर लेके आते हैं। तो ये सभी चीजें माँ लक्ष्मी को शुभता देती हैं, प्रसन्नता देती हैं, तो ये हम लेकर आते हैं और सभी चीजें हम अमावस्या तिथि पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जो धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक जो 13 दीपों का दान किया जाता है उसे हमें कब कब और कहाँ कहाँ पर रखना चाहिए, दीपक लगाते समय हमें क्या विशेष चीजें उसमें डालनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमें जरूर प्राप्त हो। और दोस्तों इन सभी दिनों में आपको दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। आप अन्न दान दे सकते हैं, आप धन का दान दे सकते हैं, आप किसी को उपहार, भेंट, सभी चीजें दे सकते हैं। इससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी की शुभता आती है, प्रसन्नता आती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय माता दी।